Good morning, everyone. Good morning from Jalpaiguri once again. और आज संडे है और संडे राइड के लिए हम लोग निकल चुके हैं. एक्चुअली थंबनेल का डिस्क्रिप्शन देख के आपको पता ही चल गया कि हम लोग का कहाँ जा रहे हैं. तो फिलहाल के लिए हम लोग भी निकल रहे हैं. दो लोग निकल रहे हैं जलपाईगुड़ी से और भी सारा लोग जो है वो ऑलरेडी निकल चुके हैं. तो हम लोग एक साथ मिलेंगे सिलगुड़ी में और सिलगुड़ी में जाके सभी से आपको मिलाते हैं और वहाँ से फिर आज का जो संडे मेरा इसका डेस्टिनेशन है तो वहाँ के लिए हम लोग निकल जाते हैं. बस सिलगुड़ी पहुँचने से पहले बहुत बड़ा ट्रैफिक जाम यहाँ पे लगा है. बहुत बड़ा, आपको क्या बताए, क्योंकि मान के चले कि हम लोग 3-4 किलोमीटर पीछे से ऐसे गाड़ी के साइड साइड से निकल रहे हैं. अब तो बाकी राइडर्स भी आ गए. चलिए निकालते हैं. पहुंच गए सिलीगुड़ी और यहाँ से हम लोगों का जो बाकी मेंबर्स है और हमारे साथ कुछ मेंबर्स है सब मिलके अभी थोड़ा बहुत टाइम यहाँ पे रुकेंगे और रुकने बाद निकल जाएंगे आज का डेस्टिनेशन के लिए. तो आज का जो डेस्टिनेशन है वो हम लोगों का है कि कर्शंग जाएंगे. फिर कर्शंग होते हुए हम लोग निकल जाएंगे चतकपुर बोल के जगह है, तो वहाँ के लिए. गाड़ी जब सब आ रहा है ये जा रहा है यहाँ से लेके दार्जिलिंग की तरफ जा रहा है. दार्जिलिंग का यही अभी मेन रोड है और अभी यहाँ पे जो महेश रेस्टोरेंट है रोहिणी में, तो यहाँ पे हम लोग का ब्रेकफास्ट लिए मतलब ब्रेक दिए हैं. यहाँ पे ब्रेकफास्ट करेंगे और मेरा 2-3 मेंबर और भी आने वाले हैं, तो यहीं पर हम लोगों का बाइक है और वहीं से हम लोग ब्रेकफास्ट करके निकल जाएंगे. मैं पहले भी यहाँ पर ब्रेकफास्ट कर चुका हूँ. यहाँ का जो ब्रेकफास्ट है काफ़ी अच्छा है. लोग का ब्रेकफास्ट हो चुका है, बस अभी महेश होटल से निकल रहे हैं यहाँ से. अभी निकल चुके हैं. अभी थोड़ा सा प्लान का चेंजेस हो सकता है. चटकपुर का प्लानिंग चल रहा है मगर चटकपुर में अगर रोड कंडीशन अच्छा नहीं है ना, तो हम लोग सोच रहे हैं कि वहाँ पे नहीं जाएंगे, हम लोग सीधा निकल जाएंगे दार्जिलिंग. दार्जिलिंग में जाके लंच करेंगे क्योंकि अभी का टाइम लगभग 10 बज चुके हैं. अभी हम लोगों का ब्रेकफास्ट कम्प्लीट हुआ, तो मतलब थोड़ा लंच जो रहेगा वो हम लोगों का थोड़ा लेट ही रहेगा. के लिए तो अभी तक तो उतना ट्रैफिक नहीं मिला क्योंकि अभी मानसून खत्म होने के बाद बस वेदर क्लियर हो रहा है धीरे धीरे. बट हम लोग जिस क्वेश्चन पहुंचने वाले हैं तो काफी ऊपर आ चुके हैं. नीचे मतलब हल्का धूप था, अभी ऊपर आने के बाद ना एकदम बादल के अंदर से जा रहा है. रास्ते भी गीला होके रखा है क्योंकि यहाँ पे थोड़ी देर पहले ही यहाँ पे बारिश हुआ होगा. तो अभी हम लोग कर्शियंग एंट्री कर रहे हैं और फिर कर्शियंग से हम लोग आगे निकल जाएंगे. कर्शियंग होते हुए ऊपर से जो बारिश हो रहा है कि नहीं, ये एक अच्छा तरीका है पता करने का. जो ऊपर से गाड़ी आ रहा है ना नीचे की तरफ, वो गाड़ी कोई भी गीला नहीं है, मतलब कोई भी किसके ऊपर पानी का बूंदे नहीं गिरा हुआ है. तो उससे देख के पता चलता है कि ऊपर तो बारिश तो एटलीस्ट नहीं हो रहा है मगर फॉगी है.
और ये जो नीचे का पार्ट है आप देख सकते हैं पूरा एकदम बादल से ढका हुआ है एकदम। और ये है हम लोगों का कर्शियम का जो गेट है, गोरखा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन से बना हुआ है। वेलकम टू कर्शियम। और हम लोग अभी सीधा कर्शियम एंट्री करेंगे और यहाँ से पुलिस से रास्ते का पता कर लिए। अभी जो रोड कंडीशन है वो ठीक है, यहाँ का जो ट्रैफिक पुलिस है ऑलरेडी हम लोगों को बता दिए। यहाँ पे इतना फॉगी है, नॉर्मली ये जगह से आपको कर्शियम दिखता था मगर आज फॉगी और बादल के कारण से एकदम से नहीं दिख रहा है। और यहाँ से दार्जिलिंग का डिस्टेंस है 33 किलोमीटर। ये एकदम मेन बाजार के बीच में से गुजरता है ये रास्ता, उसके ऊपर से एक साइड में आपका टॉय ट्रेन का ट्रैक है और मेन मार्केट प्लेस है, तो इसी के चलते यहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक भी ज़्यादा रहता है। टॉय ट्रेन मतलब ये ऐसा होता है कि लकीली मिल जाता है आपका टाइमिंग के साथ, और टॉय ट्रेन के टाइमिंग के साथ अगर मैच हो जाता है ना तो मिल जाता है टॉय ट्रेन। यहाँ पे थोड़ा सा रुकना पड़ेगा क्योंकि मेरा जो पीछे वाला राइडर है उसको आने दीजिए और उसके बाद ही मैं निकल सकता हूँ। बस सोनादा का जो बाज़ार है, यहाँ पे जो लोकल सब्जी मंडी लगता है, ये सब्जी मंडी के बीचों बीच में से एक रास्ता अंदर की तरफ चला जाता है जिस रास्ता आपको लेके जाएगा सीधा चटकपुर की तरफ। तो थोड़ा रुकते हैं यहाँ पे। सीधा यहाँ से अभी निकल जाएंगे, ये रास्ता थोड़ा स्टीप होगा। आप देख सकते हो लोकल जो घर है सभी घर में के बीच में से रास्ता निकला हुआ है। रास्ता का कंडीशन उतना अच्छा नहीं है फिर भी। अच्छा, ऊपर से भी एक गाड़ी नीचे की तरफ आ रहा है मेरे ख्याल से इसी के लिए। रास्ते में हो गया रेन कट और रेन कट के चलते रास्ता का हालत बहुत खराब है। मुझे पता नहीं आप लोगों को कैमरा में कितना जस्टिफाई हो रहा है मगर मतलब स्टीफ है रास्ता। यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक, उसके बाद सीधा आगे निकल जाएंगे। और ये हम लोगों का सब लाइडर दादा लोग आ रहे हैं। मगर चटकपुर का रास्ता अगर आप सोच के आते हैं कि बहुत बढ़िया है बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है। ये रास्ता कभी किसी एक टाइम में टर्मैक बना हुआ था मगर अभी फिलहाल के लिए तो टर्मैक खत्म हो चुका है क्योंकि अभी पूरा ही पूरा रास्ता लूज ग्रेवल से एकदम भरती है। मानसून के कारण रास्ता का कंडीशन भी खराब हो चुका है। जो फ्रेंड्स है बाइकर्स है सब यहाँ पे रुके हुए हैं क्योंकि यहाँ पे फॉरेस्ट गेट है, तो फॉरेस्ट गेट में यहाँ पे चेक मतलब आपका टिकट बन रहा है। एकदम से जंगल के बीचों बीच रास्ता है मगर काफी केयरफुली चलाना पड़ रहा है क्योंकि रोड का कंडीशन उतना सही नहीं है। केयरफुली चलाना पड़ रहा है क्योंकि रास्ते से पानी आ रहा है। ये जो रास्ता है ये रास्ते में से ऊपर से पानी आ रहा है तो काफ़ी स्लीपी है। चटकपुर आने के टाइम में आपको नीचे मैं अभी तक जितना रास्ता आया सब आपको राइट टर्न ही लेना है। तो यहाँ से मैं आगे जा रहा हूँ राइट टर्न लेते हुए।
अरे यार क्या खतरनाक रास्ता है। यही नहीं चाह रहा था मैं, धक्का लगाना पड़ेगा क्या इनको? बपिता धक्का लगाना पड़ेगा। अरे यार बहुत फूल है, पौधा है, सब कुछ है यहाँ पे, मगर ये रास्ता। थैंक यू दादा फोटो उठाने के लिए। छोटा छोटा बहुत होम स्टे है यहाँ पे, ये सभी होम स्टे है। यहाँ पे थोड़ा रुकते हैं, उन लोगों को सभी को आने देते हैं। यहाँ पे नीचे से इन लोगों को थोड़े एक बार वीडियो बना दे, कहाँ गए आ रहे हैं सब। रास्ते का हालत देखिए क्या है। रास्ता यहाँ तक ही है, और यही है चाटकपुर यंग होम स्टे, यही है लास्ट। यहाँ पे छोटा छोटा होम स्टे है, यह है यहाँ का लास्ट यंग होम स्टे। कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है, और यह है होम स्टे, और ये हम लोगों का बाइक ग्रुप्स, और ये ऊपर में छोटा छोटा बहुत सारा होम स्टेज है यहाँ पे। हो गया हम लोगों का चटकपुर का राइड, यहाँ पे आया, एक होम स्टे में चाय पिया, फोटोग्राफी किया, काफ़ी सारा फोटो लिया, और अभी जाना है वापस हम लोगों को। ये भैया भी हंस रहा है हम लोगों को राइडिंग देख के। मुझे पता नहीं कैमरा में कितना जस्टिफाई हो रहा है, मगर यहाँ पे जो एक एक पत्थर है ना, इसका साइज देखोगे तो खतरनाक साइज है भाई, खतरनाक साइज है, खतरनाक।
थोड़ा थोड़ा धूप निकल रहा है, थोड़ा बादल भी है, नीचे से बादल ऊपर की तरफ आ रहा है, देख रहे हैं आप यहाँ से, थोड़ा किस किस जगह में धूप भी है। सामने एक वाटर क्रॉसिंग है, छोटा सा एकदम बेबी वाटर क्रॉसिंग। थोड़ा प्लानिंग में चेंजेस है कि अभी हम लोग जो सोनादा होकर निकलने वाला था रास्ता, वो रास्ता से हम लोग नहीं जा रहे हैं, अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से जाएंगे सीधा बागुड़ा होके जाएंगे चिमनी, चिमनी से जाएंगे करशियांग हनुमान दारा, और हनुमान दारा से हम सीधा निकल जाएंगे सिलीगुड़ी के लिए। तो अभी फिलहाल के लिए रास्ता थोड़ा सा चेंज हुआ है क्योंकि संडे का टाइम है और शाम को थोड़ा गाड़ी भी बढ़ सकता है, तो इसलिए हम लोग ने वो रास्ता छोड़ दिया है और ये रास्ता छोड़ के अभी हम लोग जा रहे हैं चिमनी वाला रास्ते से। एक्चुअली ये रास्ता मीट करता है आपका बागोड़ा में, तो आप जैसे ही आएंगे आपका लेफ्ट हैंड साइड में जहाँ पे चेक पोस्ट है, चेक पोस्ट के वहाँ से एक डाइवर्शन है, तो वहाँ से आप अगर सीधा कर्शियांग या बागोड़ा के लिए निकलना चाहते हैं तो वहाँ से आप निकल सकते हैं। एकदम फॉरेस्ट के बीचों बीच रास्ता है, मतलब आपको अभी दोपहर का टाइम हो रहा है, मतलब 1:30 बज रहा है, मैं घड़ी नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि मेरा जैकेट के अंदर है, अंधेरा अंधेरा लग रहा है क्योंकि क्लाउड से ढक रहा है बोल के। और ये रास्ता ऐसा है कि रास्ता में लोग बहुत कम रहता है, तो वहाँ से फॉरेस्ट गार्ड जो था वो बोला कि जल्दी से निकल जाइए क्योंकि वाइल्ड एनिमल का चांसेस रहता है ये रास्ता में निकलने के लिए। हम लोग थोड़ा लेट से आ रहा है, स्लो स्लो आ रहा है, तो मेरा सामने तीन जो राइडर है वो सोच रहे हैं कि हम लोग कहाँ खो गए। ये रास्ता में देखिए बीच में घास भी निकल गया है, टारमैक के ऊपर पूरा मॉस जमा हुआ है। ये जगह तो पूरा अंधेरा जैसा होके रखा है एकदम, क्योंकि वो GoPro में जो लाइट का कनेक्शन है इसलिए आपको पता नहीं चलेगा, मगर देखिए पूरा अंधेरा है, पूरा जंगल से जैसा लग रहा है टनल बना हुआ है। मतलब आज संडे का दिन एकदम फुल टू एडवेंचर हो रहा है भाई, फुल टू एडवेंचर। हम लोग ये जो जंक्शन में आके पहुंचे, ये ऐसे रास्ता जो आता है जो मेन दार्जिलिंग हाईवे है वहां से ये आता है रास्ता, ये रास्ता सीधा चला जाता है आपका शिटोंग जो एयरफोर्स स्टेशन है कर्शियांग का, और हम लोग सीधा यहाँ से निकल जाएंगे आपका बागोड़ा वाला रास्ता लेके कर्शियांग की तरफ। तो मेरे सामने जो ये रास्ता है, ये रास्ते से अभी हम लोग आए और अभी हम लोग रुके हैं चिमनी में। तो ये जंक्शन का एक आगे आके आपको जंक्शन मिलेगा, ट्राई जंक्शन, जहाँ पे आपको यहाँ पे ये जो जगह है स्पेशली इसको बोलते हैं चिमनी, और यहाँ पे टूरिस्ट लोग आते हैं, रुकते हैं थोड़ा, यहाँ पे एक छोटा सा दुकान है जहाँ पे चाय कॉफी आपको स्नैक्स मिल जाएगा। कुछ टूरिस्ट का गाड़ी आया हुआ है जो इनको मतलब पैक लंच करवा रहा है, और हम लोगों का जो बाइक्स है, बाइक्स आपका इस साइड में लाइन अप किया हुआ है, तो जैसे हम लोग यहाँ पे थोड़ा चाय पियेंगे और इधर से सीधा निकल जाएंगे हम लोग कर्शियांग की तरफ। तो हम लोगों का बाइक यहाँ पे है और अभी हम लोग यहाँ पे चाय ब्रेक के लिए रुके हैं।
नीचे जा रहा है क्योंकि डाउ हिल से ऊपर आया, फिर इधर में हनुमान टेम्पल में थोड़ा सा टाइम बिताया और ग्रुप फोटो वगैरह लिया, और उसके बाद अभी निकल जाएंगे यहाँ से। और यहाँ का रास्ता देखिए कितना स्टीप डाउन है, और ये फुल कर्शियंग सिटी। काफ़ी नीचे आ चुके हैं, काफ़ी नीचे, और वेदर आज क्लियर नहीं है तो धुंधला धुंधला सा दिख रहा है क्योंकि क्लाउडी होके रखे हैं। और मेरे सामने और एक टर्निंग लेते ही कर्शियंग का और एक व्यू पॉइंट है, आई लव कर्शियंग बोल के। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे रुकने का प्लानिंग नहीं है। इतना सोचा ही नहीं था कि इतना जल्दी हम लोग वापस आ जाएंगे, क्योंकि पहाड़ में जब हम लोग थे तभी तो उस टाइम में इतना मतलब फॉगी के कारण से इतना अंधेरा छा गया था, अंधेरा हो गया था कि लग रहा था कि अभी मतलब शाम हो जाएगा, फिर घड़ी में देखा कि 1:30 ही बज रहा है। तो इसीलिए अभी आ गए हैं यहाँ पे, तो लगभग 4:45 4:45 जैसा टाइम हो रहा है। तो अभी हम लोग रोहिणी पहुँच गए, ब्यूटीफुल सनसेट हो रहा है, ये देखिए बहुत खूबसूरत सनसेट हो रहा है खपराइल मोड़ में। और खपराइल मोड़ से हम राइट टर्न लेते हुए निकल जाएंगे सीधा मेडिकल मोड़, और मेडिकल कॉलेज होते हुए हम लोग सीधा निकल जाएंगे जलपाईगुड़ी के लिए। और यहाँ पे अभी सिग्नल है, एक्चुअली हम लोग दार्जिलिंग मोड़ इसलिए अवॉइड किया क्योंकि वहाँ पे ना अभी फेस्टिव सीजन है, और फेस्टिव सीजन के चलते हुए बहुत मतलब ट्रैफिक हो रहा है, तो इसलिए दार्जिलिंग मोड़ को अवॉइड करते हुए हम लोग सीधा यहाँ से निकल जाएंगे खपराइल मोड़, फिर मेडिकल मोड़ जाएंगे, मेडिकल मोड़ होकर बाईपास होकर सिलीगुड़ी बाईपास होकर हम निकल जाएंगे जलपाईगुड़ी के लिए। सिलीगुड़ी से काफ़ी दूर आता है, ये है आपका जलपाईगुड़ी सिलीगुड़ी का बीच में एक टोल गेट पड़ता है, क्योंकि हम लोग नेशनल हाईवे पर से जा रहा है, तो वही टोल गेट था, अभी बस टोल गेट क्रॉस कर रहा है। थोड़ी देर पहले हम लोग थोड़ा रुके थे क्योंकि वहाँ पे थोड़ा टी ब्रेक लेना था। जलपाईगुड़ी पहुँच चुका हूँ,